चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्या शर्मा, आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। मैं इस वक्त दिल्ली के उस्मानपुर में मौजूद हूं और ये इलाका है ब्रह्मपुरी गली नंबर 2। मैं इसमें मौजूद हूँ। दिन दहाड़े जो 23 फरवरी की जो घटना जो घटी थी दिल्ली के अंदर, और मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिसका एक बेटा जिसकी उम्र 13 साल थी, उन्होंने अभी तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। एक पढ़ाई ही कर रहा था स्कूल के अंदर, और उसके साथ दिन दहाड़े एक ऐसी घटना घटी जो गली के अंदर घटी। गली के अंदर तमाम चीज़ होने के बावजूद भी किसी ने उसकी कोई मदद नहीं करी। और मैं उसके अभी उनके फादर से हम बात करते हैं, वो जो बताएंगे आप भी थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताइए जो आपका जो बेटा था, क्या वजह थी जो इतना बड़ा मतलब घटना घटी आपके साथ? एक छोटे से परिवार का बेटा जो इतनी बड़ी साजिश का मतलब वो हुआ। इकलौता ही था भैया। मेरा तो इकलौता ही बेटा था वो, और उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं होती थी, उसके दोस्त से लड़ाई हुई थी। तो उसका दोस्त उसको बुला के ले गया कि भाई मेरे को गाली बक रहा है। तो उसने जाकर के उस लड़के से भी पूछा कि भाई क्यों गाली बक रहा है। इतनी सी बात हुई है उस पर, उसने लड़के ने उसके थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के बाद में फिर वहाँ पर स्कूल में उनमें आपस में हुई है, फिर बच्चों ने बीच बचाव कर दिया है। उसके बाद में फिर वो जो है छुट्टी के बाद में सारे के सारे एक साथ निकले, और वो लड़का पता नहीं कहाँ किस माइंड का वो लड़का है कि उसने आकर के गली में उसका मर्डर कर दिया। सबसे अहम बात जो जो सेफ्टी का काम है स्कूल की, जो सेफ्टी थी, इन्होंने 3 महीने पहले जो इनकी कुछ बात हुई थी इन दोनों में से, तो इन्होंने 3 महीने पहले इनकी कंप्लेंट वगैरह जो करी थी, मुझे ये लगता है जो कंप्लेंट जो इन्होंने करी थी, कंप्लेंट का उसने बदला लिया है, ये बात सच है? सही है जी, 3 महीने से तो कंटिन्यू कंप्लेंट करे जा रहे हैं हम कि हमारे बच्चे को इन बच्चों से दूर रखा जाए, ये जिहादी माइंड के बच्चे हैं इनसे दूर रखा जाए, लेकिन स्कूल प्रशासन कोई सुन के ही राजी नहीं है। सबसे मेन तो क्लास टीचर होता है वो राजकुमार जिसका नाम है, वो तो बिल्कुल ही सुन करके राजी नहीं था। सर स्कूल का नाम क्या था, नाम बताइए पूरा? स्कूल का नाम पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल है जी, और उसको ये सर मौजपुर में आता है। और इसको राजकुमार को हमने कई बार बोला कि इन बच्चों से हमारे बच्चे को दूर रख, अपने सामने बैठा, लेकिन वो उल्टा हमारे पे ये हमसे ये कहने लग गया कि भाई हम तुम्हारे कहने से थोड़ी ना स्कूल चला रहे हैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना तुम्हारे बेटे को अलग बैठा लेंगे। ये तो क्लास कहावत होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब ये कहावत बिल्कुल सच करके दिखाई इन्होंने। हाँ जी। अब ये बताइए सर मुझे जो अहम, अभी आपका बेटा इस दुनिया में रहा नहीं जी, तो उन स्कूल के प्रशासन कुछ आए हैं आपके आपके घर पे यहाँ पे? वो नहीं जी, कोई भी नहीं आया। नहीं जी, कोई आश्वासन मिला कोई भी तो आया होगा? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं है ना कोई आके राजी है। सबसे बड़ी एक दिन दहाड़े की बात है जो दिल्ली की 3री घटना है, एक अभी केतन की थी, दूसरा जो मैं ब्रह्मपुरी की जो घटना, दूसरी जो 23 फरवरी 2024 में जो घटी थी, ये दिन दहाड़े ये बात है 2.5 और 2 के बीच की जो बात है। मैं आपको तमाम जो मेरे साथ उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं मौजूद हैं, आप इनसे हम बात करते हैं। सर नाम, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? ओमवीर सिंह। अच्छा ओमवीर सिंह जी, ये बताइए जो आपका जो ये क्या लगता था? होता लगता था। अच्छा, ये बताइए क्या मतलब वजह थी जो दिन दहाड़े इसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी? मुझे किसी बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं जो मैं आपको बताऊं। अच्छा। यूँ कुछ टाइम में यहाँ नहीं था, मैं बस अड्डे था। अच्छा। मेरे पास था, मेरे लड़के का फ़ोन गया था। अच्छा। मेरे साथ और जो इनकी फैमिली मेम्बर, इनके चाचा से हम बात करते हैं, वो चाचा जी जो अभी इनको बताएंगे, आप भी थी जो भी हैं, एक बार मैं इनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल जी मुझे ये बताइए जो एक अहम मुद्दे की बात है, जहाँ तक कहती है ना दिल्ली सरकार,
एक मूवमेंट सेफ्टी का जो मुद्दा है दिल्ली के, कहते तमाम स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उसमें हम सेफ्टी पूरी रखते हैं, एक एक कंप्लेंट चीज़ को ध्यान रखते हैं, पर वो ध्यान कहाँ रखते हैं ये बताइए मुझे। ये दिल्ली गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पूरा ध्यान रखते हैं, हर स्कूल में और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरे के जो होते हैं वो बिल्कुल आधे ज़्यादा तो बेकार रहते लगे हुए हैं, उसमें अगर हम किसी का भी कोई चेक करने लगता है तो उसमें वो DVR ही नहीं चल रहा होता, उनमें प्रॉपर केवल नामचारे के या CCTV कैमरे लगे हुए हैं गलियों में। इसके अंदर जो है किसी भी चीज़ के हम किसी प्रकार की फुटेज देख ही नहीं सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट तो सोई हुई है, सब तक सोई हुई है और बिल्कुल सोई ही रहेगी हमेशा, ये कभी किसी का भला नहीं करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं, आपको ये क्या लगता, आपने जो 3 महीने पहले आपके जो बड़े भाई साहब ने कंप्लेंट करी थी स्कूल के अंदर, क्या वो मुद्दा क्या मुद्दा था वो बताइए मुझे। पहले 3 महीने पहले कंप्लेंट करी थी, पहले जो था हमारे सागर के साथ में, मेरा भतीजे के साथ में स्कूल के अंदर वॉशरूम में ले जाकर के उसके पेट में बहुत ज़्यादा घूसे मारे थे, जिस कारण वो स्कूल के अंदर बेहोश हो गया था। जब टीचर ने हमें फ़ोन करके बुलाया था तो हमें बाद में पता लगा था कि इसके पेट में वो चोट लगी है, जिसकी वजह से हमने टीचर को कंप्लेंट करी थी। इसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उस लड़के का तो मतलब कि कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन ही लिया गया। ऐसा क्यों, उसको कोई बड़े नेता का बेटा था क्या? पता नहीं कितने बड़े नेता का लड़का था क्या था, अभी तक इस बारे में कोई खुल करके कोई बात नहीं आई है। हाँ, इतना कंफर्म है कि वो थोड़ा सा क्रिमिनल फैमिली से ही था। अच्छा सर, मुझे ये बताया जो 3 महीने जो कंप्लेंट जो आपके लड़के को जो मारा था, वो क्या वो FIR दर्ज करवाई थी स्कूल वालों ने FIR दर्ज करवाई थी उसके नाम? नहीं, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई थी, पर हमने वर्बली टीचर को, राजकुमार उसका क्लास टीचर है, उसको हमने बोला था और एक मैडम और है उन्हें भी हमने बोला था स्कूल में ही। स्कूल के अंदर जो इतनी बड़ी घटना घटी, स्कूल के प्रशासन ने कुछ उसकी वो करी थी? प्रशासन अभी तक तो आया नहीं है एक बार भी। अगर स्कूल का प्रशासन अगर आ जाता तो हमें ये होता है तो कि हमारे साथ खड़े होकर कहता है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएंगे, आपके साथ मिलकर के उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। स्कूल के अंदर एक ऐसी जो घटना, दिन दहाड़े की स्कूल की बात है, स्कूल में एक ऐसा क्रिमिनल बंदा जो सारे आम एक बेहरम इंसान जिस पर तरस नहीं है, एक छोटे से बच्चे के साथ उसने ऐसी खतरनाक घटना जो घटी है, तमाम जो उनकी जो दादा उनसे हम बात करते हैं, ये बेर उनसे हम बात करते जो भी बताएंगे सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? शिशुपाल। अच्छा, मैं सर ये कह रहा था, आप ये बताइए जो शिशुपाल जी, आप क्या करते हो? मैं रिटायरमेंट हुआ। अच्छा, ये बताइए जो आपका होता था, आप मतलब मुझे आप इस दुनिया में रहा नहीं फिलहाल अभी, तो आप क्या उम्मीद रखना चाहते हो ये बताइए, क्या आश्वासन आपको मतलब पुलिस प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया हो या पुलिस प्रशासन की तरफ से? तो हमें तो लगता नहीं है पुलिस प्रशासन कोई सपोर्ट करेगी, क्यों आजकल पुलिस प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट होता चला जा रहा है, कोई सुनने को राजी नहीं है, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते हैं। गरीब को यही आश्वासन देते हैं कि हम आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर जो पुलिस प्रशासन है सब पैसे पूंजीपतियों की तरफ झुकती है। दूसरी अहम बात सर ये, मैं ये मुझे ये बताइए एक बार आप, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी अभी एक हफ्ता हो इस बात को हुए, अभी तक कोई भी मतलब स्कूल के मतलब तरफ से कोई भी मतलब प्रिंसिपल या कोई टीचर या कोई भी आपके घर पे आपसे मिलने के लिए आया है या नहीं? स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई यहाँ अभी कोई भी कर्मचारी या टीचर या प्रिंसिपल अभी कोई यहाँ पर आया नहीं है, ना कोई ये आश्वासन देने आया है कि हम आपकी की तरफ से हम अपने उस बच्चे के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे या करना चाहते हैं तो आप हमारे सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, इस तरह का हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। अब ये बताइए सबसे, मैंने दिल्ली सरकार ये कहती है, मैं तमाम जो दिल्ली के स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो, वो ये कहते हैं हमने स्कूल के अंदर स्कूटी वगैरह प्रोवाइड करवा रखी है, तो सर वो स्कूटी कहाँ गई ये बताइए मुझे। हमें लगता है कि दिल्ली सरकार सिर्फ VIP एरिए को ही कवर कर रही है, जो लोकल एरिए हैं उन्हें ये दिल्ली सरकार कोई भी क्षेत्र के स्कूलों को कवर नहीं कर रही है, और ख़ासकर सरकारी स्कूल तो फिर भी कुछ सुधरे हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों में इतनी गुंडागर्दी हो गई है कि आधे से ज़्यादा स्कूल जो है ना उर्दू मीडियम में चल रहे हैं, जिस कारण ये
क्राइम जो है ना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जमुना पार में तो क्राइम हर दिन होता है, मैंने अभी पिछली बार भी देखा था कि एक सारेआम एक मतलब इंसान को मतलब चक्कू मारा था भजनपुरा की, आपने स्टोरी तो सुनी होगी सर, अभी एक साल पहले की तो बात है। तमाम जो घटना घटती है वो जमुना पार में घटती, इसी क्या वजह सर ये बताइए। जमुना पार के अंदर कार क्राइम की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्यों पुलिस प्रशासन थोड़ा कमज़ोर होता चला जा रहा है, इससे तो यूपी का प्रशासन फिर भी सही काम कर रहा है दिल्ली के मुकाबले, और स्टेटों में फिर भी स्टेटों के जो प्रशासन अच्छा काम करके दिखा रहा है, यहाँ का स्टेट तो कुछ भी काम करके नहीं दिखा रहा है। अगर जो यही जो यूपी की प्रशासन की तरह अगर जो दिल्ली का प्रशासन भी अगर जो काम करके दिखाए, अगर ईमानदारी दिखाते तो ये हालत वो ये हालत नहीं होते इस क्षेत्र के अंदर। और मैं सर ये मैंने सुना कि दिल्ली के अंदर जो जितने भी कैमरे लगाए रखे थे, दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हुए थे, वो कैमरे क्या अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे? आधे से ज़्यादा खराब हुए पड़े हैं, उनमें आधे से ज़्यादाओं के DVR निकले पड़े हैं, कुछ कैमरे चोरी हुए पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं कैमरे। आइए हम और भी हम फैमिली मेम्बर से हम बात करते हैं, जो मतलब उनकी दादी है, उसकी मम्मी है, उसकी बुआ है, उनसे बात करते हैं जो हमारे बीच इस वक्त जो इंसान है वो हमारे बीच रहा नहीं। फिर भी हम एक कोशिश है कि दिल्ली सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं, जहाँ तक इनके इनके साथ एक इंसाफ किया जाए, और इंसाफ की इनकी पुकार है, इंसाफ ही मांगेंगे वो जो भी हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी ऐसी मतलब क्या बात थी जो मतलब इतनी बड़ी जो घटना घटी आपके पोते के साथ? मेरा पोता ये था कि मेरा पोता एक तो गाली किसी को नहीं देता था, ना किसी से लड़ता था, 2 महीने से वो बीमार था, उसे पीलिया हुआ था और इन्फेक्शन हुआ था, उसके पेट में दर्द बहुत भयानक उठता था, उल्टियां करने लगा था, तो मैं लेके गई तो पता चला इसको पेट के अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इसको किसी से चोट लगी है। अच्छा, जो 3 महीने पहले जो स्कूल में इनके साथ मारपीटी हुई थी, आप उसके बारे में बता रहे जो मतलब उसको मारा था, तो उसकी वजह से उसको पेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, आप हॉस्पिटल में लेके गए? हाँ, तो फिर वो 15-20 दिन एडमिट रहा वहाँ पे, यहाँ तक है कि ICU तक में लेके जाना पड़ा उसको, इतनी ख़राब हालत थी उसकी, तो फिर वहाँ से वो ठीक करवा के मैं लेके आई हूँ। फिर आप सागर को कौन सा हॉस्पिटल में लेके गई थी बताइए मुझे पहले? मैं ले गई थी गाजियाबाद GS हॉस्पिटल। अच्छा, जो आप जब सागर के इलाज के दौरान आप सागर ने आपको बताया होगा कि दादी जी मेरे को इन लोगों ने मारा था? नहीं बताता था, वो बताता ही नहीं था कुछ भी नहीं, इसने मेरी बहू ने देख लिया कि इसके गले पे खरोंच के निशान है, तो इसने मेरे से कहा मम्मी इसके गले पे खरोंच बन रहे हैं, मैंने कहा तेरे को किसने मारा के ऐसे ऐसे, जब उसने मतलब भारी बात को हल्का करके बताया था कि वॉशरूम में ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ऐसे नहीं बताया मेरे को जिस तरीके से बताना चाहिए होता, अगर यूं कहता कि मेरे को इन्होंने घेर घेर के मारा है, ये बात तो उसके दोस्तों ने बताई है इसको, इसकी मम्मी को, जब ये गई है वहाँ पे मैंने कि जा कंप्लेंट करके आ उनकी, फिर ये गई है दूसरे दिन, फिर मैं गई हूँ। अच्छा, जो 23 फरवरी की जो वजह से 22 फरवरी वो स्कूल में गया था, वो सही सलामत स्कूल में गया था, कोई बात थी कुछ ऐसी कोई बात थी? कुछ नहीं बताई मेरे बच्चे ने, कुछ नहीं बताई, आराम से गया है स्कूल, इन्हों कह रहा कि मतलब फेयरवेल पार्टी है, अम्मा मुझे 600 रुपया चाहिए, मैंने कि चलो मिल जाएंगे बेटा 600 रुपया, कोई ऐसी बात होती तो मेरा, मैंने कहा बेटा तू खाता कुछ है नहीं, परहेज चल रहा था उसका, उससे बाहर की चीज़ सब मना कर दी थी डॉक्टरों ने, इतना ये लीवर इन पे चोट आई थी कि वो बेकार हो गया था मेरा बच्चा, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि इतना ये परेशान करता है, कमज़ोर हो रहा था उसकी वजह से, बीमारी की वजह से, इसलिए उसके हाथ में आ गया, और नहीं तो पहले के जैसा होता तो शायद बच जाता। सागर की उम्र क्या थी?
13 साल का हुआ था, उसमें जनवरी की 23 तारीख को 13 साल का हुआ था मेरा। 23 तारीख के मतलब 23 फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई है। 23 फरवरी को, हाँ, हाँ। तो 13 साल एक महीना का हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में उसने ऐसा कुछ देखा नहीं है, और उसके साथ इतनी बड़ी जो घटना का दिन दहाड़े जो ये जमुना पार का इलाका है, मतलब कहते हैं तमाम जो क्राइम है वो जमुना पार में ही होते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो जमुना पार में हमारे साथ हुई है। क्योंकि अभी एक साल पहले भी देखा था कि दिन दहाड़े बचनपुरा का जो इलाका है उसमें चक्कू मारे भी गए था, फिर भी उन्होंने मतलब अभी कोई भी स्टोरी नहीं दिखाई थी। और तमाम जो दिक्कतें होती है वो जमुना पार में क्यों होती है, क्या यहाँ का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, और यहाँ पे तमाम जो MLA निगम पास सभी मतलब रहते हैं यहाँ पर, और सरकार फिर भी अपने आँख और कान बंद करके रहती है, कोई सेफ्टी का मुद्दा नहीं है। स्कूल के प्रशासन वो कहते हैं स्कूलों के अंदर हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ दी रखी, कहाँ है वो सेफ्टी, कहाँ बच्चों की सेफ्टी, क्या माँ बाप स्कूल में छोड़ने के लिए जाएंगे या उनको लेने के लिए जाएंगे, उनके पास काम है। तो जो जिम्मेदारी बनती है वो स्कूल की बनती है, स्कूल प्रशासन अभी तक इनके घर की जो हालात देख सकते हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो अपना बेरोजगार है इंसान है, वो अपना प्राइवेट नौकरी करके जो खा रहे हैं, उनके पापा से हम बात करते हैं और वो पापा जो बताएंगे भाई क्या ऐसा इनकी हालत है, क्या क्या करके अपना गुजारा करते हैं, इनके पास कितना, एक ही एक लौता वारिस था जो इनके पास सागर एक लौता ही बेटा था, इसके पास एक ही बेटा था, अब ये क्या करेंगे। भगवान जो देख कहते हैं ना कि ऐसा इंसान जिनके साथ इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है फिर भी क्राइम खुले हम सारे आम वो घूम रहा है, और उसके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ जी सर बताइए, हम तो आप दिल्ली सरकार से क्या आश्वासन चाहते हैं बताइए मुझे पहले। सर दिल्ली सरकार का तो कोई भी इंसान आके ही राजी नहीं है, आश्वासन क्या देगा हमारे को। अभी मनोज तिवारी जी आए थे, मनोज तिवारी जी ने क्या आश्वासन दिया है बताइए मुझे। मनोज तिवारी जी आए थे, बोल रहे थे 2 दिन के लिए आप हमें 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के अंदर हम आपको सारी रिपोर्ट ओके करके दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हो सकता है। आज कितने दिन हो गए? आज 3रा दिन है सर, कोई कुछ नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी आपके पास कोई मैसेज कोई चीज़ आई हो? नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि जी हमें 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके भेजना होता है, तो उन्होंने उसको अरेस्ट करके भेज दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता किसको अरेस्ट करके भेजा है। अच्छा, सबसे बड़ी एक अहम मुद्दे की जो बात है सर, ये बताइए आपका अभी जो हमारा मतलब सागर है वो अब हमारे बीच रहा नहीं, अब जो स्कूल प्रशासन है, अब स्कूल प्रशासन में क्या मतलब ये बताइए गलती किसकी है? सारी की सारी गलती स्कूल वालों की ही है। जब हमने स्कूल में किस प्रिंसिपल से कंप्लेंट करी, वो लिखित में थी या वैसे थी? सर लिखित में तो कोई भी माँ बाप नहीं देते, सभी बर्बली बोल के ही आते हैं। हमने उस क्लास टीचर राजकुमार को 10 बार बोल दिया, लेकिन उसने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर। कहाँ तक गलती है इसमें, ये मानता हूँ गलती जो स्कूल टीचर की, एक टीचर के पास इनके फादर गए थे, उन्होंने कंप्लेंट भी करी, फिर भी अभी तक कोई सुना। अगर वो कंप्लेंट अगर स्कूल के जो स्टाफ अगर स्कूल की बात सुन लेते तो ये घटना नहीं घटती, और उनके साथ ये जो दुर्घटना भी हुई है जो हमारे बीच सागर नहीं रहा, अगर वो स्कूल की तरफ से अगर कोई भी चीज़ होती है तो जहाँ तक इनकी जिम्मेदारी है कि स्कूल की ही गलती है सारी। बताइए, सारी गलती स्कूल की ही है सर। अभी बताए सर, स्कूल से आप क्या चाहते हो ये बताओ मुझे पहले। सर मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरे बच्चे के साथ में हुआ वो किसी और बच्चे के साथ में ना हो, तो ऐसे स्कूल को तो बंद ही कर देना चाहिए मेरे अनुसार तो, जिसमें कंप्लेन करने के बावजूद अगर किसी बच्चे के बारे में ना सोचा जाए ना उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या फ़ायदा है ऐसे स्कूल में पढ़ाने का। प्राइवेट स्कूल में आदमी ये सोच करके एडमिशन कराता है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी होगी, लेकिन वहाँ तो कोई सेफ्टी नहीं है इस तरीके से देखा जाए तो। दिल्ली सरकार कहती चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सेफ्टी हर जगह होती है, पर ऐसा आप कह रहे हो कि प्राइवेट स्कूल में कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई था नहीं क्या वहाँ पे? सर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर जो है स्कूल में क्लास टीचर के सामने अभी मेरे उसमें संज्ञान में आया कि एक बच्चे को जो उस क्लास टीचर ने के सामने ही वो आकर के धमकी दी है उसने कि आज कल तो सागर का नंबर था आज 13 नंबर है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे स्कूल के बारे में? जहाँ तक स्कूल प्रशासन भी बिल्कुल डरी हुई है उस लड़की से, उसमें क्या खासियत है उस लड़के के अंदर ही बताइए सर। सर उसके बैकग्राउंड सारा क्रिमिनलों का है, इसलिए सारा स्कूल डरा हुआ है। अच्छा, मतलब पूरा बैकग्राउंड वो क्राइम स्टोरी, मतलब क्राइम ही करते हैं, मतलब तमाम जो भी उनसे कोई डरता भी नहीं है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे कोई भी प्रशासन, कोई डरता नहीं है क्या? सही बताइए सर आप। वो किसी से नहीं डरते सर। Thank you.
उन्हीं से डरते हैं। वो लड़का खुद क्लास में आकर के ये कहता था कि मैं डॉन बनूंगा, मैं अगला जो दाऊद है वो मैं ही हूँ। अच्छा, दाऊद इमरान बनने की कोशिश कर रहा है वो, मतलब ब्रह्मपुरी का एक लड़का जो जिसकी उम्र वो कह रहे हैं ना कि जो सरकार वो उसकी उम्र कम दिखा रहे, पर जहाँ तक मैंने उसकी उम्र जो देखी है उसकी उम्र मेरे ख्याल में 20 या 22 साल का लड़का है। जो मैंने उसकी जो फोटो देखी है वो ये कह रहे कि वो लड़का अभी 12 साल का है। और जो जो सागर नाम का जो लड़का है उसकी उम्र 13 साल है, जिसको जिसने मारा था उसकी उम्र वो कह रही है कि दिल्ली पुलिस कह रही है उसकी उम्र अभी 12-13 साल की। ऐसे कहाँ है ये बताइए, कहाँ का इंसाफ है ये बताइए सर आप। सर ये तो जो है वही है ना कि वो हर तरीके से हमारे ऊपर जो है हमारे केस को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर उल्टा दबाव बनाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का बड़ा था, जबकि मेरा लड़का 8th क्लास में है, वो 6th क्लास में उसका, और इसके क्लास में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो हर क्लास में जा करके वो जो है अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो मतलब जो है कहीं तक तो स्कूल प्रशासन की ढील रही है। मैं तो यही कहूँगा कि सारी कमी स्कूल वालों की है, स्कूल की एक छोटी सी गलती की वजह से कि एक सागर नाम का जो व्यक्ति है वो छोटा सा बच्चा वो हमारे बीच नहीं रहा। आइए उसकी मम्मी से बात करते हैं, वो मम्मी जो बताएंगी भाई अपने बेटे की जाने की गम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है उनको, काफ़ी परेशानियां हो रही है। जो भी है बात करते हैं उनकी मम्मी से। हाँ नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नीलम। अच्छा नीलम नाम आपका। नीलम जी ये बताइए, जब आपके बेटे ने सागर ने आपको जो बताया था आपने क्या एक्शन लिया उस पर? वो कुछ नहीं बताता था सर, मैं लेने गई थी उसे स्कूल, वो क्लास में से निकला था तब उसके नेल्स बन रहे थे, खून से निकल रहे थे गले में, तो मैं जब भी क्लास में शिकायत करके आई थी प्रिंसिपल मैडम से और न मैडम से। प्रिंसिपल मैडम ने क्या आश्वासन दिया है बताइए? कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा था हम कल को बात करेंगे जो जिन्होंने क्लास मतलब मारा है बच्चों को। ये कौन सी डेट की बात है? ये हो गया सर 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा। उसके बाद भी कई बार कंप्लेंट करके आई हूँ, उसके बाद भी मेरे बच्चे को मारा वारा है तो हॉस्पिटल में दिखाया तो 15 दिन वो स्कूल नहीं गया, 15 दिन स्कूल नहीं गया। उसके बाद भी सर कह रहे हैं कि क्या कहते तुम्हारा बच्चा स्कूल ही नहीं आता, जबकि डेली स्कूल जा रहा है मेरा बच्चा। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी उसका झगड़ा हुआ है वॉशरूम में। अच्छा। आप जब स्कूल के अंदर जब झगड़ा हुआ था स्कूल के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो मतलब स्कूल के अंदर उन दोनों को रोका जाए? नहीं सर, बोल रहे वॉशरूम में कोई कैमरा थोड़ी नहीं लगाए जाते, फिर जब कैमरे नहीं लगाए जाते हम भी मानते कैमरे नहीं लगते वॉशरूम में, लेकिन साथ के बच्चे तो बोल रहे ना मेरा बच्चा तो चला गया, उसके दोस्त बोल रहे हैं क्या कहते हैं कि आंटी लड़ाई हुई है स्कूल में, टीचरों से भी बोल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक ये बता गलती मतलब ये स्कूल प्रशासन की गलती है या नहीं? स्कूल की ही सारी गलती है मेरे कहने से, तो टीचर से भी बोल के आई हूँ, मैडम से भी बोल के आई हूँ, गौरव से भी बोल के आई हूँ, चेयरमैन से। अच्छा मुझे बताया आपने कितनी बार अनगिनत कंप्लेंट करी है स्कूल अपने बेटे के लिए बताइए मुझे। मैं तो 3-4 बार करके आई हूँ, उसके पापा भी करके आए, बुआ भी करके आई, दादी भी करके आई हैं, बाबा भी करके आए, सब अलग अलग कंप्लेंट करके आए, कोई सुनवाई नहीं। मतलब फिर भी इन्होंने स्कूल प्रशासन ने कोई मतलब सुनवाई नहीं करी, मतलब क्या गलती थी जो मतलब इतनी बड़ी मतलब उनको आपके बेटे को इतनी बड़ी गलती मतलब छोटी सी बात का इतना बड़ा अंजाना मिला? ये तो सर वही स्कूल वाले जाने क्यों नहीं सुना, अब प्राइवेट वाले स्कूलों में भी ऐसा होने लगा तो बताओ बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर में ही डर के बिठाएंगे बच्चे माँ बाप तो। मैम सेफ्टी कहीं भी नहीं है, क्या करें? जो तमाम जो अभी आपने जो कीर्तन की स्टोरी भी देखी थी, अपने जो इंद्रपुरी की जो स्टोरी चल रही है, आप इस सरकारी स्कूल में एक बच्चे को दिन दहाड़े मारा गया था, और वही स्टोरी अभी ये ब्रह्मपुरी में भी जो स्टोरी है वो दिन दहाड़े भी इनको मारा गया है, मतलब कहाँ है सेफ्टी? मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, तमाम जो स्कूल है वो चाहे दिल्ली स्कूल दिल्ली जो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सेफ्टी की बात करते कहाँ है वो सेफ्टी? सेफ्टी की सबसे बड़ी अहम बात है कि स्कूलों के अंदर सेफ्टी होनी चाहिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल में अगर बड़े हो पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनके माँ बाप अपना काम छोड़ कर इनको स्कूल में लेने जाएंगे, तो ये काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा? सबसे बड़े सवाल यही है, एक बेरोजगार माँ बाप का जो बेटा था एक छोटा सा काम, उसके फादर काम करके अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, और इतना बड़ा दिन दहाड़े जो गली के अंदर उसको मारा गया, फिर भी मतलब यहाँ तक अभी तो कोई भी मतलब उम्मीद नहीं है कोई कोई इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ या कोई भी सरकार हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए,
एक माँ बाप का जो बेटा देख सकते हो इनकी हालत जो कैसी हुई है, आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, मैं इनके घर पे ही मौजूद हूँ, इनके घर से जो भी बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे जो बीच सागर नाम का जो लड़का था वो हमारे बीच नहीं रहा, मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करूँगा। थोड़ा सा मैं यही कहूँगा उनको, भगवान जहाँ तक भी है उनको आश्वासन दे, इनको सहन शक्ति दे, सहने की कोशिश करें। और इनकी एक छोटी सी उम्मीद है, इनको इंसाफ दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी, और कोशिश ये रहेगी कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके जो भाई बहन हैं, अब ये बताइए कैसे इनके पालन पोषण होगा, पालन पोषण होगा इनका कैसे, इनको कैसे स्कूल में जानेंगे जाएंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको। जो सबसे बड़ी अहम बात है, इनकी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं कि इनसे बात करने की भी उम्मीद नहीं है, मैं फिर भी इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी दोबारा इनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए जो दिल्ली पुलिस है वो आपके पास आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं कह रहे, बस दिलासा दे के चले जाते हैं। आप ये बताओ, मेरे तो इकलौता ही लड़का था, एक ही सहारा था, अब किन के सहारे वो मेरी बच्चियां रहेंगी? मेरे आदमी के पास भी कुछ काम धंधा नहीं है, किराए की गाड़ी चलाते थे, वो भी अब छीन ली, इन जगह से बाजू भी टूटी हुई है। और सबसे बड़े जो सागर के फादर हैं, उनके तीन जगह से मतलब चोट लगी हुई है, मतलब हाथ पैर से थोड़े से राड लगी हुई है, वो कहाँ से अपनी मजदूरी करके कैसे खाएंगे और कैसे अपना घर गृहस्थी चलाएंगे? और उनकी जो मदर है, उनकी मदर की भी हालत देख सकते हैं कैसी हालत है इनकी, मैंने बोलने तक की भी कैपेसिटी ने कैसे, क्योंकि इनका एक जवान पोता, एक लौता वारिस घर का जो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका नाम सागर था, और मैं इस वक्त सागर के घर पे ही मौजूद हूँ। इनकी जो बुआ है और दादी है और इनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं। और सबसे अहम बात है कि मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से, कि वो अखलाक तो इनके उसमें भी नहीं था, उसको 1 करोड़ का चेक, उसको 1 करोड़ का चेक और फ्लैट दिया जाता है। आज इस गरीब बच्चे का बच्चा, इकलौता बच्चा मार दिया। मैडम कहाँ की बात कर रहे हो अभी, बताइए। अखलाक जो गाजियाबाद में, जो दिल्ली में भी नहीं है, और ये एक गरीब बच्चा, इकलौता बच्चा, इसको मार दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई भी उसका आदमी आके यहाँ पे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे मारा है, क्या परेशानी है। ये दो दो बच्चियाँ हैं, ये बीवी है, ये दादी दादा हैं बड़े बूढ़े। उस बच्चे की 3 जगह से बाजू टूटी हुई है, रोड पड़ी हुई है, अब वो कैसे करेगा, कैसे वो करेगा, अपने बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा रहा था, फीस नहीं होती थी तो हमसे और से लेके मांग के भरता था फीस को। तमाम जो दिक्कत है इनके घर की, बहुत ज़्यादा कंडीशन है। एक इनका जो छोटा भाई है वो ऊपर बैठे हैं, वो विकलांग है, वो अपना हाथ पैसे काम नहीं कर पाते, फिर भी वो एक छोटा सा परिवार चला रहा था, उसके फादर, अभी उनके फादर की भी कंडीशन बहुत। मैं तमाम जो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, इनकी कहीं ना कहीं इनसे इनकी मदद की जाए, और इनकी जो परिवार की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ आप, मैं आपको लाइव तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ इनके घर की, मैं घर की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटा फूटा घर है ये, तमाम जो हालात है बहुत ही कंडीशन ख़राब है। आप देख सकते हैं जो इनके भाई हैं ऊपर, वो विकलांग टाइप के हैं, और घर की जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको खाने पीने की भी दिक्कत होती है। तमाम सबसे अहम मुद्दे की बात है, दिल्ली सरकार अभी तक इनसे कोई भी, चाहे वो निगम पार्षद का, चाहे वो MLA हो, कोई भी इनके घर पर अभी तक किसी से मिलने के लिए भी नहीं है, कोई एक आश्वासन देने के लिए ना। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि इनकी बात सुनी जाए और इनके साथ एक इंसाफ किया जाए। जो तमाम जो स्कूल है, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूल में जो प्रशासन है, उन्होंने 3 महीने पहले भी कंप्लेंट करी थी, कई बार उन्होंने कंप्लेंट भी करी है स्कूल के अंदर ज़्यादा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी। एक हमारे पास हंसता खिलता जो परिवार था, उनके पास एक ही इकलौता वारिस था जो सागर नाम का लड़का, उसके दिन दहाड़े दिल्ली के अंदर मार दिया गया, गली के अंदर ही मारा गया, उसके पास कोई भी, उनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके साथ एक इंसाफ किया जाए। मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज, दिल्ली। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।